बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो आज का टॉपिक है डाटा हैंडलिंग इंट्रोडक्शन टर्म्स रिलेटेड टू तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा नाउ इंट्रोडक्शन इन टूडेज वर्ल्ड वी कम अक्रॉस थ्रू वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज पॉलिंग रिजल्ट टेम्परेचर ऑफ सिटीज population of different states or countries salaries of different employees imports and exports of different countries and so on a collection of information in the form of numerical figures and facts is called data so data kya hai jo hamare collection of information hai numerical form me right now next is terms related to data first is raw data डाटा ऑप्टेन इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा जो डाटा जैसे मिला है जो इन्फॉर्मेशन जैसे मिली है एज इट इज हमने पास रख ली दॉ डाटा फॉर एग्जाम्पल द मार्क्स ऑप्टेन बाई टेन स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो फोर्टी एट कॉमा ट्वेंटी फाइव कॉमा ट्वेंटी थ्री कॉमा फोर्टी फाइव कॉमा थर्टी सेवन कॉमा ट्वेंटी एट कॉमा थर्टी वन कॉमा फोर्टी टू कॉमा थर्टी नाइन कॉमा ट्वेंटी फॉर एग्जाम्पल द अबोव डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर इज ऊपर वाले डाटा को जो मिला हमें उसने एज इट इज रखा दैट इज रॉ डाटा अब हमने उसको क्या किया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया असेंडिंग मीन्स पहले सबसे कम फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा तो हमारा क्या हुआ ट्वेंटी कॉमा ट्वेंटी थ्री कॉमा ट्वेंटी फाइव कॉमा ट्वेंटी एट कॉमा थर्टी वन कामा थर्टी सेवन कॉमा थर्टी नाइन कॉमा फोर्टी टू कमा फोर्टी फाइव कॉमा फोर्टी एट दैट इज अरेंजिंग ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज नाउ नेक्स्ट इज रेंज

फ्रीक्वेंसी ऊपर वाले ऑब्जर्वेशन में क्या है सभी वन वन टाइम है तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है वन नोट दैट ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन क्या बोलते हैं उसको हम ऑब्जर्वेशन नाउ नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा वेन द न्यूमेरिकल वैल्यूज और डाटा इज कलेक्टेड फॉर अ लार्ज ग्रुप it becomes difficult to write the entire data thus to make the work simpler we need to tabulate the data in the form of frequency distribution table it helps in drawing meaningful conclusions the process of arranging the data in an organized manner in the form of table is called tabulation now next is frequency distribution table

क्रॉसिंग द फोर डायगनली लाइक दिस हम क्या करते हैं मार्क को ऐसे लिखते हैं वन है तो वन टू है तो टू थ्री फोर और फिफ्थ के लिए उसको डायगनली क्रॉस कर देते हैं दैट मीन्स फाइव ऑब्जर्वेशन द नंबर ऑफ मार्क्स अपोजिट टू ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इट्स फ्रीक्वेंसी दिस फ्रीक्वेंसी इज रिटर्न इन द नेक्स्ट कॉलम ऑफ टेलीमार्क्स कॉल्ड कॉलम ऑफ फ्रीक्वेंसी एग्जाम्पल करते हैं द चाइज ऑफ स्वीट्स फॉर थर्टी स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास सिक्स आर रिकॉर्डेड एज अंडर एल बी एल इस तरह से ये हमें क्या दे रखा है डाटा गिवन है एल फॉर लड्डू बी फॉर बर्फी जे फॉर जलेबी आर फॉर रसगुल्ला प्रिपेयर ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा सोल्यूशन करते हैं इसका हम द रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज एज फोलोज फर्स्ट किस चीज का है ये हमारा डाटा किस चीज का है स्वीट्स का तो फर्स्ट वाले में लिखा हमने स्वीट्स कौन कौन सी स्वीट्स है हमारे पास हमारे पास है लड्डू बर्फी जलेबी एंड रसगुल्ला सभी का नाम लिख दिया टेली मार्क्स सेकेंड वाले कॉलम में हमने क्या लिखा टेली मार्क्स और लास्ट वाले में क्या लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि कौन सी स्वीट कितने स्टूडेंट्स को पसंद है जैसे एल फोर लड्डू है तो इसमें से जब हमने एल को काउंट किया तो कितना आया टेन तो हमने टेली मार्क्स में कैसे लिखा फाइव फाइव क्योंकि हम फाइव से ज्यादा नहीं लिखते इसमें ठीक है तो टेली मार्क्स में फाइव कैसे ऐसे लिखते हैं अभी बताया मैंने तो टू टाइम्स फाइव लिखा है दैट कितने टेन स्टूडेंट्स को लड्डू पसंद है उसके बाद बी को काउंट किया दैट मीन्स बर्फी बर्फी के लिए कितने हैं फाइव सिक्स सेवन दैट मीन्स सेवन स्टूडेंट्स को क्या पसंद है बर्फी फिर उसके बाद आया जलेबी जे को काउंट किया तो कितना है फाइव और ये थ्री That means, कितना एट तो दैट मीन्स क्या हुआ एट स्टूडेंट्स को क्या पसंद है जलेबी लास्ट में क्या है रसगुल्ला रसगुल्ले कितना है दैट स्टूडेंट्स को क्या पसंद है रसगुल्ला so, तो टोटल किया तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे थर्टी तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना आ गया थर्टी तो so, हमने क्या किया अपने कन्वीनियंस के लिए इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल डाइस वॉज थ्रोन ट्वेंटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा ऑल्सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तो पहले हम क्या करेंगे इसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लगाएंगे ठीक है तो अरेजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट सबसे पहले हम क्या करेंगे डाटा को Ascending order में अरेंज करेंगे तो हमने सोल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करेंगे देखो हमने हमने क्या किया? The data in ascending order. We get. हमने क्या किया? किया? यही होते हैं हमारे डाइस में नंबर वन टू लेके द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज एज फॉलोइंग कैसे बताया हमने देखो नंबर्स कौन कौन से हमारे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये हमारे नंबर्स आएंगे राइट right? उसके बाद सेकंड कॉलम बनाया हमने मार्क्स का और लास्ट कॉलम बनाया हमने नंबर ऑफ किसका स्टूडेंट्स का राइट right? तो फर्स्ट वाले में वन नंबर कितने का आया वन कितनी बार आया हमारा टू टाइम्स तो हमने दो टेली मार्क बनाया दैट मीन्स टू उसके बाद हमारा टू कितनी बार आया काउंट किया तो हमने देखा सेवन टाइम्स तो सेवन का टेली मार्क बनाया और यहाँ पे क्या लिखा सेवन राइट right? उसके बाद थ्री का हमने काउंट किया तो कितना है फाइव दैट मीन्स फाइव का टेली मार्क बनाया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्या लिखा फाइव उसके बाद फोर कितना है फाइव टाइम्स यहाँ पे भी फाइव फाइव कितने टाइम्स टाइम्स है five times. तो यहां पे भी five, six कितने टाइम्स टाइम्स है four times. तो पे भी five. और कितने हुए ट्वेंटी एट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो इसका ए पार्ट विच नंबर इज अपियड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है देखो टू की कितनी है सेवन तो हमारा क्या है आंसर क्या है इसका ए पार्ट का आंसर क्या है नंबर टू इज अपियड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स नाउ बी पार्ट पार्टर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स कौन से नंबर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं तो कौन सी फ्रिक्वेंसीज हमारी इक्वल है फाइव वाली किस किस की थ्री फोर और फाइव सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है फाइव 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 राइट तो बी का आंसर क्या है हमारा नंबर अपियर एंड इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आर थ्री कॉमा फोर एंड फाइव सी पार्ट देखेंगे इसका क्या है विच नंबर इज अपियर द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम सबसे कम टाइम कौन सा आया हमारा वन कितने टाइम्स ओनली टू टाइम्स तो सी का आंसर क्या है नंबर वन इज अपियर द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स नाउ ट्राई दीज फिल इन द्लैंक्स फर्स्ट इच न्यूमेरिकल फिगर इन ए डाटा इज कॉल्ड क्या होता है ऑब्जर्वेशन क्या होता है ऑब्जर्वेशन राइट सेकेंड क्या है अरेजिंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एरे थर्ड क्या है द डिफरेंस बिटवीन द हाइस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा इज कॉल्ड रेंज तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप खुद ट्राई करेंगे तो बच्चों एक्सरसाइज भी आप खुद ट्राई करेंगे नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा न्यूमेरिकल डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्म्स सो दैट वन कैन फिगर आउट द आंसर एट ए ग्लांस देर आर मेनी वेज टू रिप्रेजेंट द डाटा बट हियर वी विल लर्न अबाउट पिक्टोग्राफ नाउ पिक्टोग्राफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा थ्रू पिक्चर्स इज कॉल्ड अ पिक्टोग्राफ जब हम पिक्चर्स के थ्रू डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है पिक्टोग्राफ नाउ इंटरप्रेटिंग अ पिक्टोग्राफ लेट लर्न हाउ टू इंटरप्रेट अ गिवन पिक्टोग्राफ बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल एग्जाम्पल से देखते हैं उसको हम द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन ए पार्क Look at the and the एक ट्री बना है उसका मतलब क्या है कि उतने एट ट्रीज है ठीक है तो नीम के देखो कितने बने हैं वन टू थ्री फोर तो फोर ट्रीज बने हैं फोर एट कितने हो गए थर्टी टू ट्रीज दैट मीन इसका क्या रहेगा थर्टी टू ट्रीज रहेगा कोकोनट के कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव दैट मीन एट फाइवी ट्रीज तो कोकोनट के कितने हैं फोर्टी ट्रीज है तो so, इस तरह से हमने डाटा को क्या किया पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट किया नाउ नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट ट्री कौन सा है बैन्यन ट्री बैन्यन ट्री कितने हैं वन टू थ्री थ्री का मतलब एट थ्री झा ट्वेंटी फोर नेक्स्ट क्या है मैंगो ट्री मैंगो कितने हैं फाइव तो कंप्लीट है और एक हाफ है तो फाइव एट फोर्टी और एट का हाफ कितना होगा फोर तो कितने हुए इन ये कितने हैं हमारे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव एड्स ऑफ फोर्टी और हाफ है तो हाफ का मतलब आठ का आधा कितना फोर तो कितने होंगे प्लस फोर दैट इज इक्वल्स टू फोर्टी फोर ट्रीज राइट तो क्वेश्चन देखते हैं इसका ए पार्ट हाउ मैनी नीम ट्रीज आर देयर सोल्यूशन देखते हैं इसका हमने देखा था कितने थे वो फोर सिंबल्स थे ना द रो ऑफ द नीम ट्रीज हैज फोर सिंबल्स एज ईच सिंबल है कितने ट्रीज एट ट्रीज सो द नंबर ऑफ नीम ट्रीज इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई बाई एट इज इक्वल टू कितना थर्टी टू यही हमने निकाला था फोर मल्टीप्लाई बाई एट नाउ बी पार्ट क्सिमम इन नंबर सबसे ज्यादा किसके ट्री है मैंगो के आपने भी देखा कितने हैं फोर्टी फोर ट्रीज तो बी का आंसर देखो एज द रो ऑफ मैंगो ट्रीज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सिम्बल्स दैट इज फाइव कम्प्लीट एंड वन इनकम्प्लीट ट्री सो मैंगोव ट्रीज आर मैक्सिमम इन नंबर सी पार्ट विच ट्रीज आर मिनिमम इन नंबर सबसे कम कौन से ट्रीज है सॉल्यूशन देखते हैं इसका कौन सा है बैनियन ट्री का देखा ना हमने सिर्फ तीन ही ट्री बने हुए हैं तो एज द रो ऑफ बैनियन ट्रीज है ट्रीज आर मिनिमम इन नंबर नाउ डी पार्ट हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन ऑल तो जितने भी सारे सिंबल्स हैं सबको हम ऐड करेंगे तो डी का आंसर देखते हैं

ट्राई करेंगे आई होप आपको चैप्टर समझ आया इसका रिवीजन आप खुद कीजिए